Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, we are going to do an interesting topic of maths class 9th NCERT chapter 2 polynomials, that is zeros of the polynomial. Actually, we are going to solve the example 3. पर एग्जाम्पल 3 में हमें समझना है जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है. तो सबसे पहले जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल ही समझ लेते हैं. लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ. अगर आप सपोज कर लो कि पी एक्स एक पॉलिनॉमियल है. ये वर्ड जो है, ये जो लेटर है पी एक्स, ये एक क्या है, पॉलिनॉमियल है. तो ये जो पॉलिनॉमियल है, इसमें ना हमने एक्स को, एक्स की जो हमने वैल्यू है वो पुट कर दी 3. तो ये हो गया पी 3. तो अब ये जो पॉलिनॉमियल है, इसमें जब हम इसको सॉल्व करें, मींस इसकी अगर हम इसको इक्वल में पुट कर दें 0, इसको हम किसके पुट कर दें, 0 के पुट कर दें, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 0 के पुट करने का मतलब है कि हम इसको जब सॉल्व करें, हम इसको पुट करेंगे लाइक x माइनस 3. हमें x में से 3 माइनस करना है और हमें आंसर चाहिए क्या, 0. अब हमने x की वैल्यू भी आपको बताया था, मीन्स हमें ऐसे करना होता है पी एक्स एक्स माइनस वॉट, कोई भी नंबर हो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. यहाँ तो हमने एग्जांपल ले गया, आप 4 ले लो चाहे, ठीक है. अब 3 ले लो, 4 ले लो. अब अगर आप पी एक्स की वैल्यू, अब हमने, और एक्स की वैल्यू हमें क्या दी गई है, समझ लो एक्स की वैल्यू है 3. तो पी 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1. तो मतलब इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू आई माइनस 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है. जिस भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी इसमें, तो वो कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल. वो x कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स, ठीक है. पर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई, तो समझ लो ये पॉलिनॉमियल जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं है. मीन्स कुछ पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू दी गई है, उसको पुट करके चेक करना होता है कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा. जैसे कि अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 में चेक करना है हमें. लेट्स चेक इन एग्जाम्पल 3. That is saying, check whether minus 2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2. x plus 2 दिया गया है, उसमें पहले हम minus 2 और 2 दो नंबर दिए गए हैं. पहले minus 2 पुट करके देखो, फिर 2 पुट करके देखो और चेक करो कि इनका आंसर 0 आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब ये zeros of the polynomial है या नहीं है. सो सिंपल है, चेक करना है तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं. सबसे पहले ले लेते हैं अब. अच्छा, इस इक्वेशन में ना आपको किसी चीज़ के इक्वल रखना पड़ेगा इसे, और वो आपको हमेशा लेना होगा पॉलिनॉमियल. एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे पी मीन्स पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल एक्स की वैल्यू, ठीक है. तो इसके इक्वल हमने क्या रख देना है, एक्स प्लस टू. एक्स की वैल्यू हमें दो जगह दी, एक तो माइनस टू दी है और एक टू दी है. सबसे पहले माइनस टू पुट करें, पी माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू माइनस. प्लस क्या होता है, इंटीजर्स के अकॉर्डिंग माइनस करते हैं और साइन किसका लगाते हैं, बढ़ेगा. पर माइनस करके जीरो आंसर आ गया, साइन नहीं लगेगा फिर, क्योंकि कोई नंबर बढ़ा नहीं है. तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो. सो दैट मीन्स, सो माइनस टू इज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स. अब चेक करते हैं कौन सा पॉलिनॉमियल, टू. तो अब चेक करना है टू, तो हम लिखेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू. अब टू चेक करना है, पहले चेक किया था माइनस टू, तो अब इसको चेक करें अगर, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे पी टू इज इक्वल्स टू टू प्लस टू, आंसर आ गया 4. तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आई है, इस पॉलिनॉमियल एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर आई है 4, राइट. तो पॉलिनॉमियल एक्स की वैल्यू आई है 4, तो जो कि 0 के इक्वल नहीं है, दैट डजंट इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स 2 इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल एक्स. सो 2 इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल एक्स, दैट इज आर आंसर. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गया हो कि जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है. समझ में आ गया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. क्वेरी है तो मुझे ड्रॉप कमेंट में ड्रॉप करो, ठीक है. और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू.